और इतना कहूंगा बीजेपी के बहुत सारे लोग मेरे पक्ष में वोट करने वाले हैं आ, अरे भैया हमारे बेटे हैं लेकिन भाजपा के सांसद है ना तो खुलेआम कहते चलेंगे कि हम अपने फादर को वोट देंगे और ऑफिशियल कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे ऐसा आप उम्मीद करते हैं हम तो नहीं उम्मीद करते हैं बाकी बेटे से भी आप नहीं नहीं करते हैं उम्मीद अब ये मैं अंतिम चुनाव अपने जीवन का लड़ रहा हूँ इसके बाद मैं कोई दूसरा कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं आपको बहुत इनाम दूंगा समझिए ना अगर आप ये प्रश्न से पूछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद क्यों नहीं करते हैं 2014 में 12 तेरह चौदह में आपने उनको इतना समर्थन दिया फिर अचानक से क्या हुआ की आप आप तो आपको भी डाल देंटर मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत है जब वो आई थे तो सफलता में में से रहे जब सोशल सर्विसेज में आए तो वहां पर भी उन्होंने शानदार काम किया जब राजनीति में आए तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बदल कर रख दी एग्जाम्पल दू आपको दरअसल जब ये मंत्री बने तो उससे पहले तक जब भी बजट भाषण होता था तो वो शाम को होता था लेकिन जब से इन्होंने बजट भाषण देना शुरू किया तो वो जो आप देखते हैं ना मॉर्निंग में वो इन्हीं की वजह से है और आज वो विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जी हाँ मेरे साथ है इस वक्त यशवंत सिन्हा बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अब आप अपोजिशन के समय के आप आपको अपोजिशन ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है द्रौपदी मुर्मू एन डी की ओर से उम्मीदवार हैं जब आपने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था उस वक्त एनडीए के पास जो राष्ट्रपति पद के लिए जो जीतने का जो परसेंटेज था वो 49 परसेंट के आसपास में था लेकिन आप ही को कैंडिडेट बनाने वाले जे एम एम हो या फिर बीजू जनता दल हो जो अपोजिशन में है वो सब अब द्रौपदी मुर्मू को वोट दे रहे हैं तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ टोकन फाइट रह गई है आपके लिए बीजू जनता दल विपक्षी दलों की उस बैठक में नहीं था जिसमें मेरे नाम के ऊपर मुहर लगी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा था और ये कहना सही नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मन बदल दिया है उन्होंने ऐसी कोई घोषणा अभी तक नहीं की है कि वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे साथ ही रहेंगे तो मैं भी झारखंड का लेकिन बात की जाए अगर आपके घर की ही आपकी खुद की पत्नी जो है उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि हाँ द्रौपदी मुर्मू जो है वो जीत सकती हैं सिर्फ वही नहीं आपके बेटे जो हैं उन्होंने भी कहा है कि वो द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे और तीसरी बात है ममता बनर्जी की जिन्होंने ये कहा है कि द्रौपदी मुर्मू के जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं तो जब इतने सारे लोग एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर किसी दूसरे के जीतने की संभावनाओं को प्रबल कर देते हैं बातें कर देते हैं तो क्या कॉन्फिडेंस पर असर होता है बिल्कुल नहीं हमारे कॉन्फिडेंस पर इन सब चीजों का कभी रत्ती मात्र असर नहीं पड़ा है अगर ऐसा होता ना तो भरी जवानी में मैंने आईएएस की नौकरी नहीं छोड़ी होती आईएएस की नौकरी छोड़ देना आप समझते हैं मामूली बात है नहीं बिल्कुल नहीं तो मैंने क्यों छोड़ दी सारे लोगों के भाव बा, विरोध के बावजूद उस समय हमारी पत्नी हमारे पक्ष छोड़ने के पक्ष में नहीं थी लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हुई हैं मेरी जिंदगी में जब मुझे लगा है कि हमको वो आ, ऐसा करना चाहिए और मैंने वैसा किया है इस बात की परवाह नहीं करते हुए नंबर एक कि कौन पक्ष में है कौन पक्ष में नहीं है और नंबर दो अंतिम परिणाम क्या होगा अगर चुनाव हार गए तो क्या करेंगे यहाँ बैठे रहेंगे जो अभी बैठे हैं फर्क इतना ही होगा हम तो आराम से बैठे होंगे आप इंटरव्यू करने नहीं आएंगे नहीं मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप आई थे उसके बाद आपने कहा कि सोशल सर्विसेज में जाना है उसके बाद फिर आप राजनीति में आए तो हमेशा लाइफ में जो भी आपकी जो लाइफ का पूरा स्पैन रहा है उसमें कोई ना कोई आपने लेवल अप अपने आप को किया है हमने कहा है था हमने सोचा था जब हमने आई की नौकरी छोड़ी थी कि हम सोशल सर्विस में जाएंगे और अपनी किताब में मैंने पूरा जिक्र किया है कि किस परिस्थिति में नहीं। ऐसा नहीं करके मैंने मैं राजनीति में प्रवेश किया और फिर राजनीति के मेरी पारी शुरू हुई अच्छी पारी रही मुझे उसको लेकर कोई अफसोस नहीं है अब ये मैं अंतिम चुनाव अपने जीवन का लड़ रहा हूँ इसके बाद मैं कोई दूसरा कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि जब सर्वोच्च पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं तो फिर उसे कम पद के लिए चुनाव लड़ना उचित नहीं है तो इसलिए अंतिम चुनाव लड़ रहा हूँ पूरी ताकत के साथ लड़ रहा हूँ किसी रिजल्ट की चिंता बिना किए लड़ रहा हूँ मैं मानता हूँ कि विश्व इतिहास भारत का इतिहास वह इतिहास नहीं हो होता है जिसको हम जानते हैं अगर योद्धा लड़ाई के पहले ही हार के डर से मैदान छोड़कर भाग गए एन uh, डी ने जब अपना कैंडिडेट उतारा तो कई जो विपक्ष के भी जो नेता थे वो भी कुछ कह नहीं पाए क्यों क्योंकि महिला थी आदिवासी हैं और ऐसे में द्रौपदी मुर्मू का जो पलड़ा जैसे कहेंगे थोड़ा भारी लग रहा है लेकिन क्योंकि आप सर्वोच्च जैसे आपने कहा कि पद के लिए लड़ रहे हैं आप उनसे कैसे बेहतर हैं वो क्यों आपसे बेहतर राष्ट्रपति नहीं बनेंगे आप ये प्रश्न हमसे पूछ रही है ना द्रौपदी मुर्मू से भी जाके पूछिए

बनेंगे। लेकिन रबर स्टैंप को लेकर आप बार-बार बात कर रहे हैं। अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो क्या आप के के को करने लिए लिए क्या उनके लिए रबर स्टैंप नहीं रहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने मोदी जी प्रधानमंत्री है तो राष्ट्रपति बनने के बाद क्या तो उनसे हमारा टकराव होगा नहीं मिलके काम करेंगे लेकिन मिलकर काम करने का अपना एक तरीका होता है जिसमें कि उनकी भी सुनेंगे अपनी भी कहेंगे और दोनों मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे कोई राष्ट्रपति जो आपके रोल मॉडल हो जो आपको लगता हो कि जिनके समय पर जो जैसा काम हुआ है शायद मैं वैसा करूंगा या फिर वैसे ही लीक से हटकर आप काम करेंगे देखिए पहले राष्ट्रपति थे हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो इकलौते राष्ट्रपति थे जो दो टर्म राष्ट्रपति रहे उसके बाद किसी को दो टर्म नहीं मिला अभी हाल में प्रणब बाबू देश के राष्ट्रपति बने थे बिल्कुल करेक्ट जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट वो थे मेरे मन में उनके लिए बहुत आदर है राजेंद्र बाबू के लिए बहुत आदर है और भी अनेक लोग राष्ट्रपति बने किसी ने बहुत अच्छा काम किया किसी ने उतना उतना अच्छा काम नहीं किया तो जैसे हर पद में होता है कि कोई अच्छा काम करता है कोई अच्छा काम उतना अच्छा काम नहीं करता है तो राष्ट्रपति पद में पद पर जो लोग बैठे उनका भी लगभग यही इतिहास है जब हम ऑफिस में थे और जब मैंने सबको बताया कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रही हूँ तो मैंने सबसे कहा कि आप भी अपने सवाल जो हैं वो हमें बताएं तो सबका एक ही आ, सवाल था कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद क्यों नहीं करते हैं दो में बारह तेरह चौदह में आपने उनको इतना समर्थन दिया फिर अचानक से क्या हुआ कि आप उन्हें आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं नहीं ये बिल्कुल ये गलत सवाल है और अपने साथियों को भी कहिएगा कि इस लड़ाई को वो व्यक्तिगत लड़ाई ना बनाए हमारा मोदी जी से कोई मतभेद नहीं है मोदी जी जो व्यक्ति हैं ना उनसे मेरा कोई वक्त ये नहीं है हाँ प्रधानमंत्री की कार्यशैली काम करने का जो तरीका है उससे हमारा मतभेद है उनकी नीतियों से हमारा मतभेद है और मुझे लगता है कि दोनों मतभेदों के पीछे जो मेरे मन में कारण है वो बहुत सॉलिड कारण है और मैं एक उदाहरण दूँ आप पता नहीं आपकी क्या उम्र थी उस समय छह साल पहले की बात है कि इस देश में नोटबंदी हुआ आज कोई करता है उसका जिक्र कोई दूर दूर तक जिक्र करता है नहीं। कितना पैसा वापस आ गया जो करेंसी सर्कुलेशन में थी वो कितना वापस आ गई ये भी रिजर्व बैंक ने फिगर देना छोड़ दिया शायद सौ फीसद ही ज्यादा वापस आ गया जो काउंटर था नकली नोट था वो भी वापिस आ गया और सारा धन जो था वो सफ़ेद हो गया बैंकिंग सिस्टम में आके लेकिन हम आप भूल गए उसको कोई सवाल नहीं पूछेगा मैं पूछता हूँ यही मेरा दुर्भाग्य है बात अगर चीज़ों के बारे में बात करें जिसको इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है वो है उदयपुर कांड का कि हमने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि रुपुर शर्मा की जुबान की वजह से ये सब कुछ हुआ है क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने अब इस पूरे कांड को लेकर रुख रखा कि बीजेपी के नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बहुत सब कुछ बोला नहीं है लेकिन एक का गला रेत दिया जाता है उसकी हत्या कर दी जाती है राजस्थान के उदयपुर में ऐसा सब कुछ होता है क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी को अपने चाहे वो नेता हो या इस सांप्रदायिकता को लेकर कुछ कुछ स्टेप उठाना चाहिए था उनको पहले तो बोलना चाहिए ना प्रधानमंत्री है देश के हर विषय पर बोलते हैं कल लंबा चौड़ा भाषण दिया उन्होंने हैदराबाद में तो इस विषय पर क्यों नहीं बोलते हैं नहीं। और उनकी जो प्रवक्ता थी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आज, आज, तक क्यों नहीं हुई है न्यूज के जुबैर को तो जेल में डाल डाल दिया दिया ना हो सकता है आपको भी डाल दें इस इंटरव्यू के बाद लेकिन उस प्रवक्ता के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही कहा कि उस प्रवक्ता की बदजुबानी के चलते पूरे देश में आग लगी हुई है और जो हत्याएं हम देख रहे हैं हत्याएं बहुत ही बुरी बात है किसी भी सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन सारा माहौल बिगाड़ के इन ने रख दिया है समाज का और सौहार्द का वातावरण जो होना चाहिए वो एक घृणा के वातावरण में परिणत हो गया है मेरे आखिरी सवाल दो आखिरी सवाल है मैं उनसे पूछना चाहूंगी आपको लेकर कि सपोर्ट की जो बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार गिर गई है एक नाथ शिंदे ने आज ही अपना जो बहुमत है वो साबित भी कर दिया है तो वैसे ही जो विधायक हैं जो आपको वोट देते हैं वो कम हो गए हैं थैंक्स टू यू कि विपक्ष की एकता भी हम देखने को हमें देखने को मिली अलग अलग मुद्दे हों चाहे वो खासतौर पर अगर कांग्रेस के बारे में बात करें तो जो मुद्दे होते हैं देश के उनको भुना नहीं पाती है कांग्रेस कांग्रेस सबसे बड़ा मुद्दा ही ये होता है कि राहुल गांधी को टैकल करें या फिर मुद्दों को टैकल करें क्योंकि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी का जो रवैया रहा है जो जो वो एक परसेप्शन क्रिएट करना चाह रही थी वो सोशल मीडिया पर हो आप मीडिया के बारे में कह लें हर जगह को कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई दे रही है आप बीजेपी के किसी प्रवक्ता से जाकर पूछिए आज के दिन कि राहुल गांधी की एक टिप्पणी थी जो उनके कार्यालय वायनाड में आक्रमण हुआ था कुछ लोगों के द्वारा उसके बारे में उन्होंने कहा बच्चे थे भूल हो गई माफ कर दो उसको इसी देश की मीडिया ने दिखाया उदयपुर की घटना को और अमरावती की घटना को लेकर यह दिखा दिया चैनल ने कि वो कह रहे हैं कि बच्चे थे माफ कर दो इससे बढ़कर मैं आपसे कहना चाहता हूं इससे बढ़कर कोई अपराध हो सकता है इससे बढ़कर कोई अपराध हो सकता है मैं आपसे बात कर रहा हूं आप जाकर किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो बात दिखा दीजिए तो जब मीडिया ही जो जो फोर्थ स्टेट है हमारे प्रजातंत्र का एक पिलर है खंभा है मजबूत खंबा वही जब अपनी जिम्मेदारी को इस तरह निभाएगा तो फिर क्या कहा जाए इसके बारे में मैं मानता हूं कि सारे चैनल्स को मीडिया को मिलकर

द्रौपदी मुर्मू को जे एमएम ने नहीं कहा है आपने देखा है कोई बयान हमको दिखाइए की जेएमएम का कोई वक्तव्य नहीं आया है कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे या मेरी मुखालफत करेंगे लेकिन चल पड़ी बात और इतना कहूंगा बीजेपी के बहुत सारे लोग मेरे पक्ष में वोट करने वाले हैं मैंने जैसे इंटरव्यू के शुरुआत में ही कहा कि आपके चाहे बेटे हैं जैन उन्होंने भी ये कहा कि हम द्रौपदी मुर्मू को अरे भैया तुम्हारे बेटे हैं लेकिन भाजपा के सांसद है ना तो खुलेआम कहते चलेंगे कि हम आ, अपने फादर को वोट देंगे और ऑफिशियल कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे ऐसा आप उम्मीद करते हैं हम तो नहीं उम्मीद करते हैं मैं अपने बेटे से भी आप नहीं, नहीं करते हैं उम्मीद भाजपा तो के भाजपा तो के सांसद तो हमको देंगे वोट लेकिन अपने बेटे से हम नहीं उम्मीद करते हैं वाकई आपको लग रहा है कि बीजेपी के सांसद या विधायक आपको वोट देंगे मैंने तो कहा आपसे कहा ना दोबारा क्यों है ठीक <laughs> है तो बहुत बहुत शुक्रिया तो ये थे हमारे साथ यशवंत सिन्हा जिन्होंने ये, जिन ये इंटरव्यू दिया सारे सवालों का उन्होंने एक एक करके बहुत ही जिस तरीके से साफ लहजे में उन्होंने ये जवाब दिया उसके लिए भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए